ध्यान दें स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। किसी भी जो मापक यंत्र की होता है उसकी एक यथार्थता की सीमा होती है, यानी वह एक माप को एक अधिकतम निश्चित यथार्थता तक ही माप सकता है। ठीक, जैसे किसी मापक यंत्र लिया, आप इससे वर्नियर कैलिपर्स ले लिया या कोई अन्य मापक यंत्र ले लेते हैं और उससे कोई वस्तु मापते हैं, जैसे लंबाई हमने मापी वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से और वो आ गया 3.5। ठीक, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपका वर्नियर कैलिपर्स था उसने मापी 3.52 सेंटीमीटर। अब देखें तो जो आपके पास लंबाई रही होगी जिसको आपने मापा, उसकी यथार्थ माप जो होगी उस स्थिति में या तो 3.51 रही होगी या तो 3.53। क्यों? क्योंकि जो लास्ट का या बीच का अंक होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, इसको हम अनुमान के आधार पर रख देते हैं। ठीक, जैसे लंबाई 3.51 से ज्यादा है कहीं जिसके समीप है तो भी आप 3.52 लिख सकते हैं, या 3.52 से थोड़ी ज्यादा है तब भी आप 3.52 लिख सकते हैं, यानी वास्तविक माप जो रही होगी 3.51 और 3.53 के बीच ही होगी। तो उस स्थिति में कह सकते हैं यहाँ जो लास्ट अंक आपने रखा ये संदेह के आधार पर इसमें जो है त्रुटि होने की संभावना है, या आप कह सकते हैं एक अनुमान के आधार पर रख दिया, और जो वैल्यू आप अनुमान के आधार पर रख देते हैं उसी को हम कहते हैं संदिग्ध, और जो एग्जैक्ट माप के रखा जाता है उसे हम कहते हैं यथार्थता पूर्वक ज्ञापन। यानी सीधा सा अर्थ है किसी माप में दो प्रकार के अंक पाए जाते हैं, एक यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक और दूसरा संदिग्ध अंक। यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक के हैं जो माप में एग्जैक्ट मापे गए होते हैं, और जो माप का लास्ट अंक होता है वो अनुमान के आधार पर रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं संदिग्ध अंक। इस तरह से कोई भी माप दो तरह के अंकों से मिलकर बनी है, यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक और दूसरा संदिग्ध अंक, और इन दोनों अंकों को मिलाकर बनता है सार्थक अंक। यानी किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों और संदिग्ध अंकों को हम क्या कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी राशि में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों और संदिग्ध अंकों को हम क्या कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। दूसरी तरह से आप इसी को भी कह सकते हैं कि किसी माप में जो अंक होते हैं, ठीक, मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, अब जब भी हम प्रयोगशाला में किसी माप का परीक्षण लेते हैं तो सार्थक अंकों के निम्नलिखित गुण आपको प्राप्त होते हैं। नंबर एक, मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं, यानी यथार्थता उतनी ज्यादा होगी जिसकी मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा यथार्थता उतनी ही ज्यादा होगा। जैसे वर्नियर कैलिपर से कोई लंबा मापते हैं तो 0.10 इसका अल्पतमांक होता है वर्नियर का, लेकिन यदि स्क्रू गेज का नापे तो 0.001 आता। अब इसका अल्पतमांक देखें तो ज्यादा है किससे, इसकी अपेक्षा, यानी वही माप एक वर्नियर कैलिपर्स ली जाए और स्क्रू गेज द्वारा ली जाए तो किसमें ज्यादा यथार्थता होगी, जिसका अल्पतमांक कम होगा। किसका अल्पतमांक कम है, स्क्रू गेज का, इसलिए स्क्रू गेज के माप में यथार्थता ज्यादा होगी जबकि वर्नियर कैलिपर्स के माप में यथार्थता कम होगी। दूसरा देखें, दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वह दशमलव बिंदु पर निर्भर नहीं करती। जैसे आपने लिख दिया मान 2.52 सेंटीमीटर, ठीक, 2.52 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में व्यक्त करें तो 25.2 मिलीमीटर हो जाएगा। दशमलव इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, फिर भी इसमें सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या इसी को आप मीटर में भी व्यक्त करें तो 0.052 मीटर हो जाएगा, लेकिन सब में सार्थक अंक देखे जाए तो एक जैसे हैं, इनमें सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरा, सार्थक अंकों की यथार्थता जितनी अधिक माप उतनी ही अधिक यथार्थ, माप उतनी ही अधिक यथार्थ। अब इसका तात्पर्य क्या है, जैसे
ठीक है, कोई वस्तु आप तोड़ रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी वस्तु की बात कर ली जाए, सपोज कर लें एक हाथी, हाथी तोला आ गया 3500 किलोग्राम, ठीक। तो अब देखें तो आपने कुंटल में सिर्फ माप ली, ठीक, 3500 किलोग्राम, यानी सबसे छोटी बात जो आप इससे माप रहा आपने 100 किलोग्राम, यानी हाथी की जो वास्तविक वजन हो सकती है ये तो अनुमान के आधार पर रखा, या तो 3400 से अधिक होगी 3500 के बीच, या फिर 3500 से लेकर 3600 के बीच होगी, यानी यहां जो त्रुटि होने की संभावना है आप कह सकते हैं यथार्थता में संदेह होगा वो 100 किलोग्राम के आसपास होगा। लेकिन यदि ही माप आप ऐसे माप लें 3540, ठीक, तो अब जो माप होगी या तो 3530 होगी या तो 3540, क्यों, क्योंकि 10 किलोग्राम तक आपने मापा, कितने किलोग्राम तक, मिनिमम 10 किलोग्राम से मापा है तो संदेह 10 किलोग्राम का हो सकता है। लेकिन यदि यही माप यहां तक ले जाएं आप 3540 की बजाय 41 हो जाए, तो उसकी जो माप रही होगी या तो 3540 रही होगी, कितनी रही होगी, 3540, 3541 किलोग्राम आपने माप लिया, तो जो उसकी माप रही होगी या तो 3540 रही होगी एक्चुअल, इससे ज्यादा रही होगी, और 3542 से कम रही होगी, तभी आपने 3541 रखा। अब देखिए यथार्थता, पहले वाले माप में देखें इसमें, तो इसमें यथार्थता 100 किलोग्राम के आसपास इधर उधर हो सकती, इसके देखें तो इसमें यथार्थता कितने किलोग्राम तक के आसपास इधर उधर हो सकती, 10 किलोग्राम त्रुटि हो सकती है, इधर उधर हो सकता, और जब इसमें देखें तो इसमें जो त्रुटि होने की संभावना है वो 1 किलोग्राम के इधर आसपास हो सकती है। तो इस तरह से जो जो आपने क्या किया कि सार्थक अंकों की संख्या बढ़ाई, तो उस स्थिति में क्या पाया गया कि मापक यंत्र की जो यथार्थता है उतनी ही बढ़ गई, यानी सीधा सा कह सकते हैं सार्थक अंकों की संख्या जितनी बढ़ाई गई वैसे देखा जाए तो 0 को बाद में गिनती नहीं, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गया, सार्थक अंकों की संख्या इस तरह से कह सकते हैं बढ़ती गई, तो उस स्थिति में माप की यथार्थता भी क्या हो गई, साथ साथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई। अब ध्यान दें, सार्थक अंकों की संख्या अधिक हो तो प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, कैसे, जैसे किसी माप को मापा आपने, अभी यहां देखा था 3.5 आया एक माप, बर्नियर से मापा 3.52 वाला, ठीक, स्क्रूगेज से मापा 3.52 वाला, ठीक, तो इसमें त्रुटि संदिग्ध अंक 5 है, इसमें त्रुटि हो सकती है 0.1, ये 3.52 है इसमें त्रुटि हो सकती है 0.01, और ये 3 अंक तक है तो इसमें हो सकता है 0.001, तो देख रहे हैं त्रुटि धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जो जो मापक यंत्र का सार्थक अंकों की संख्या इंक्रीज कर रही है, देखें 2, 3, 4, तो सार्थक अंकों की संख्या जो जो इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे हमें क्या हो रही है, प्रतिशत त्रुटि कम मिल रही है, ठीक, प्रतिशत त्रुटि पहले देखें तो त्रुटि कम मिलेगी, और त्रुटि कम मिलेगी तो साथ साथ प्रतिशत त्रुटि भी कम मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है देख सकते हैं, ठीक, कि सार्थक अंक किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं हम लोग किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक, तो सार्थक अंकों की संख्या पहचान करने के कई नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि संख्या में विद्यमान सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ध्यान दें किसी भी संख्या में विद्यमान सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जैसे एक माप है आपके 2, 5, 3, 4, ठीक, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4, या इसको ऐसे लिखा जाए 3, 4, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 4, या ऐसे लिखा जाए 2, 5, 1, 4, तो कितने सार्थक अंक, 4, ऐसे लिखा जाए कितने सार्थक अंक है इसमें, 2। तो किसी भी माप में जो सभी अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, और दशमलव बिंदु की सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे इसमें यहाँ है जिसको ऐसे लिख लिया जाए 2.32, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे। नियम नंबर 2 ध्यान दें, दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्या में अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं,
यानी दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं, जैसे 25, 0, 0, 4 लिखा है, कितने सार्थक अंक हैं इसमें 5, या शून्य अंक है और बीच के शून्य ये सार्थक अंक है, या ऐसे है फिर आपका यही मान 25, 0, 0, 4 तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 5, या ऐसे लिखा गया है 2, 0, 0, 1, 3 तो इसमें कितने सार्थक अंक है 5, या 205 है ऐसे तो भी इसमें कितने सार्थक अंक हैं 3, यानी दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य क्या होते हैं सार्थक होते हैं। ध्यान दिया, अगला दशमलवहीन संख्या है तो अंत में आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता, जैसे कोई दशमलवहीन संख्या है और उसके अंत में कोई शून्य आ जाए तो सार्थक अंक नहीं होता, जैसे 2530 क्या कह सकते हैं 4320 इस तरह से। तो इसमें देखें कितने सार्थक अंक 3, इसमें देखें कितने सार्थक अंक 3, इसमें भी देखें तो 3 ऐसे लिखा है तो इसमें कितने होंगे 2, ऐसे लिखा है तो इसमें कितने होंगे 2, यानी लास्ट वाला शून्य इसमें भी सार्थक अंक नहीं है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी दशमलव विहीन संख्या है तो जो अंत में शून्य आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि ही माप द्वारा व्यक्त की जाए, किसके द्वारा, माप द्वारा व्यक्त की जाए तो अंत के शून्य भी सार्थक अंक होते हैं, जैसे ये लिख लिया गया 2500 किलोग्राम तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 1, 2 और चूंकि माप है इसमें 3, 4 कितने सार्थक अंक होंगे 4 सार्थक अंक। यही लिखा होता आपका जो है ऐसे सेकेंड तो भी इसमें कितने सार्थक अंक हैं 4, या फिर आपका लिखा होता 2010 मीटर तो भी कितने सार्थक अंक हैं इसमें 1, 2, 3, 4, या ऐसे लिखा होता तो भी कितने सार्थक अंक हैं इसमें 3 सार्थक अंक। ठीक, यानी माप द्वारा व्यक्त किया गया है तो लास्ट का शून्य भी सार्थक अंक होता है। हो गया आपके 3 नियम। चौथा, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं परंतु दशमलव बिंदु के बाईं ओर के, अशून्य अंकों में सभी शून्य जो होते हैं क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य क्या होते हैं सार्थक होते हैं। ठीक, जैसे ऐसे है इसमें कितने सार्थक अंक हैं 4, ठीक, लेकिन दशमलव द्वारा व्यक्त है तो लास्ट वाला शून्य भी क्या होता है सार्थक अंक होता है। ठीक, जैसे यदि देखा जाए एक बैंक ली गई ऐसे तो इसमें देखें कितने सार्थक अंक हैं, लास्ट में आपका शून्य अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि माप दशमलव में व्यक्त है इस तरह से तो लास्ट वाला शून्य भी क्या होगा सार्थक अंक होता है, लास्ट वाला शून्य क्या होता है सार्थक अंक होता है। ठीक, यानी अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। अगला, दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं, दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता, जैसे एक संख्या आपकी 0.003 या 0.013 या 0.00143, ठीक, तो देखें दशमलव से पहले क्या समय अशून्य यानी शून्य तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं, जैसे इसमें कितने सार्थक अंक है यदि ये सार्थक अंक नहीं होगा तो सार्थक अंक, इसमें भी देखें दशमलव की बात तुरंत का शून्य सार्थक नहीं है ये सार्थक अंक है, इसमें भी देखें दशमलव की बात 3 शून्य है सार्थक नहीं है बाकी 3 सार्थक, लेकिन यदि ऐसे लिखा है 0103 तो दशमलव की बात का शून्य सार्थक नहीं होगा लेकिन बाकी 1, 2, 3, 4 यानी बाद वाले जो शून्य आ रहे हैं
ठीक है, शून्य के बाद वाले जो शून्य आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक, अगला, दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के अंत का शून्य अंक दाईं ओर आने वाले शून्य, दाईं ओर जो आता है वो शून्य जो होता है वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे इसमें देखें तो जो बाईं ओर आ रहा है सार्थक अंक नहीं है, लेकिन यहाँ जो दाईं ओर आ रहा है वो सार्थक अंक है। इसमें ध्यान दें, खड़ी की बजाय फोर होगा, ध्यान दें दशमलव बिंदु लगा है लेकिन चूंकि यहाँ शून्य अंक है तो इधर वाला शून्य सार्थक अंक नहीं है, लेकिन दशमलव लगा होने के कारण जो बाईं दाईं ओर आ रहा है शून्य सार्थक अंक है, जो बाईं ओर आ रहा है यहाँ दशमलव के बाद तुरंत ये दाईं ओर है ये नहीं होगा शून्य सार्थक, लेकिन अशून्य अंक के जो दाईं ओर आ रहा है वो शून्य सार्थक अंक होगा। तो यहाँ तो ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, यानी इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, चार सार्थक अंक होंगे। तो इस तरह से किसी जो है सार्थक अंक, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या पहचान का पहचान कर सकते हैं। क्या क्या नियम है, पहला, संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। दूसरा, दशमलव तथा दशमलवहीन ठीक दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान दें, अगला, दशमलवहीन संख्या में शून्य अंक के दाईं ओर के अंत में, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर के अंत में आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता है, लेकिन यदि वो माप द्वारा व्यक्त की जाए तो सार्थक अंक होता है। अगला, अशून्य अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य जो है सार्थक अंक हैं, अशून्य अंक के दाहिनी ओर के समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, परंतु दशमलव के किधर होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। अगला, दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, वो दशमलव के तुरंत बाद का शून्य सार्थक नहीं होता है। अगला, दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर, अंत में दशून्य अंक के दाईं ओर के समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगले दिन पढ़ेंगे आप लोग पूर्णांक।